आपको पता है कि 8 सितंबर को देवघर परिसंसद के का चुनाव होना है। आज नामांकन की अंतिम तिथि थी, नामांकन की अंतिम तिथि के दिन अभी तक कुल जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें अध्यक्ष पद के लिए कुल 7 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। इसमें सरेंद्र कुमार मिश्रा, डॉक्टर अमरनाथ पाठक, चंद्र विजय प्रसाद चंदन, दीप नारायण, धनंजय राणा, संजीव कुमार मंडल और जेम्स कुमार नवाब का नाम शामिल है। सचिव पद के लिए कुल 5 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें राजेश कुमार, शत्रुघ्न प्रसाद, चमन कुमार, उत्तम मानवज और सुनील कुमार का नाम शामिल है। कोषाध्यक्ष पद के लिए कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें शेखर सुमन, शत्रुघ्न प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा और अरुण किस्ती का नाम शामिल है। और उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अनिलकांत मिश्रा, रंजीत कुमार, विजय कुमार राय, ताली मोनाजी और भविष्य कुमार मंडल का नाम शामिल है। संयुक्त सचिव के लिए भी कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सुनील कुमार, शिवम कुमार मिश्रा, अनूप कुमार राय, उमेश कुमार यादव और भविष्य कुमार मंडल का नाम शामिल है। सह कोषाध्यक्ष के लिए 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, पप्पू कुमार यादव और कुमार गुप्ता। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उपेंद्र कुमार, परमजीत कुमार, जीतन कुमार, विकास कुमार राव, गौरव कुमार, राजा कुमार यादव, युगल प्रसाद यादव, किशोर प्रसाद यादव, संजय प्रसाद यादव, अंजलि कुमार सिन्हा, मोहम्मद मिनाजुद्दीन अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, रामचंद्र झा, विनय कुमार देव, ताली मुआजिद, राजेश कुमार राम, शंभुनाथ सहाय, दलित भारती, विक्रम कुमार तिवारी, अनिता चौधरी और सुबोध कुमार का नाम शामिल है। कुल 19 पदों के लिए 49 अभ्यर्थियों का नामांकन दाखिल हुआ है। कल इसकी स्क्रूटनी और नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए BKD न्यूज झारखंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।